अरे बाप रे, ये कौन सी दुनिया है? राम गुप्त वस्तु भंडार बिल्डिंग के अंदर आकर चकाचौंध रह गया। गुप्त वस्तु भंडार एक बड़े शोरूम से भी बड़ा था। उसमें कम से कम 10,000 शेल्फ्स होंगे जिसको राम ने कभी नहीं देखा हो, और उस पर वैसी अद्भुत चीजें लगी हुई थी। राम तो खुशी खुशी वहां सारी चीजें देखने लगा। अचानक राम का रास्ता किसी ने एक बड़ी काली तलवार से रोका। राम के पैर थम गए और वो सोच रहा था कि कौन उस पर तलवार से आक्रमण कर रहा है, तभी अचानक एक आदमी मुस्कुराते हुए तलवार लेकर उसके सामने आया। साहब, यह है कालीचरण, 3400 साल पुरानी तलवार है। शुद्धि पर्वत के काले पत्थरों से बनाई गई है और इसके अंदर अपराजित शक्ति भी डाली गई है। राम शौक में सुनता रहा। स्वाभाविक है, उसके सामने खड़ा कोई योद्धा नहीं था बल्कि कोई सेल्समैन था जो उसे वो कालीचरण नाम की काली तलवार बेच रहा था। एक ही वार से स्वर्ग शक्ति वालों को भी धराशायी कर दे, उतनी शक्ति है इस कालीचरण में। वो सेल्समैन बेचते हुए राम पर हावी होने लगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं खरीदना, राम ये बोलकर तुरंत ही उधर से निकल गया। वैसे भी गुप्त वस्तु भंडार में और कई सारी चीजें थी। राम कहाँ है? कुछ देर बाद कृष्णन कुछ काम से वापस आया तो राम को नहीं पाया। टहलने गया है, उदयन ने जवाब दिया। कृष्णन की भौहें सिकुड़ गई, उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किस ओर गया है? कृष्णन ने पूछा तो उदयन ने उंगली दिखा के दिशा दिखाई। कृष्णन को फिर से अजीब लगा, क्योंकि वहां से तो कृष्णन आया था और कृष्णन ने रास्ते में राम को नहीं देखा था। लेकिन कृष्णन के पास अभी राम को ढूंढने का भी समय नहीं था। वो तो सिर्फ एक हिसाब की डायरी लेने ठेले पे आया था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अपराजित पत्थर को बेचने में लग गए थे। राम को गुप्त वस्तु भंडार में कई और चीजें दिखी, लेकिन न जाने क्यों राम को किसी चमत्कारिक चीज में खास रुचि नहीं थी। लेकिन कुछ तो था जो राम को इस भंडार में अंदर की ओर खींच रहा था। अचानक ही वो एक बड़े बंद दरवाजे के बाहर आया। पास का एक सेल्समैन भागते भागते आया। साहब, क्या दिखाऊं आपको? स्माइल करते हुए उसने राम को पूछा। लेकिन राम की नजर उस बंद दरवाजे पर थी। इसके अंदर क्या है? राम ने पूछा। ये सुनकर सेल्समैन के चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई। वो दरवाजा खोल नहीं सकते साहब, सेल्समैन ने कहा। पर यह सुनकर राम को उस चीज की तरफ और आकर्षण हुआ। मैं कहता हूं खोलो, राम ने ऑर्डर दिया। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक ही ऑर्डर सुनकर वो सेल्समैन बोला, आप काफी पारंगत योद्धा लगते हैं साहब, इसलिए आपको खोल के दूंगा। सेल्समैन ने राम से वादा करवाया कि किसी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि उसने काम किया है। मेरी नौकरी जा सकती है साहब, सेल्समैन ने कहा। राम ने वादा किया और आखिर में उस सेल्समैन ने वो दरवाजा खोला और अंदर क्या है वो बिना देखे ही वहां से राम के हाथ में चाबी पकड़ा के भाग गया। राम के चेहरे पर एक सिल्वर लाइट आई और राम ने चौंक के उस दरवाजे के अंदर देखा। उसके सामने थे असली अपराजित पत्थर, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी जेब में गोली के रूप में पड़े हुए थे। पर इनकी चमक तो उन गोलियों से भी ज्यादा थी, और जो अपराजित पत्थर भास्कर और कृष्णन बेचने गए थे उससे तो लाखों गुना ज्यादा चमक थी। ये कोई खान से बरामद किए हुए अपराजित पत्थर नहीं थे, क्योंकि उस पर एक सील लगी हुई थी। उस सील पर लिखा हुआ था उस्ताद। उस्ताद? न जाने राम को यह नाम बहुत ही जाना पहचाना क्यों लगा, पर अभी उसे याद नहीं आ रहा था। लेकिन वो इतना जानता था कि वो इस उस्ताद को खरीदना चाहता था। इसकी कीमत कितनी है? उसने उस्ताद को उस सेल्समैन के सामने रखा तो सेल्समैन दंग रह गया। ऐसी गुप्त चीज राम खुलेआम उसके टेबल पर रख रहा था। सेल्समैन ने कहा, साहब ये उस्ताद के अपराजित पत्थर हैं, अमूल्य हैं। राम समझ गया कि सेल्समैन ऐसे नहीं मानने वाला था। उसने अपनी जेब से दो अपराजित पत्थर की गोलियां तो निकाली ही, पर साथ में हरी के लाल रस की शीशी भी निकाली। शीशी भरी हुई थी। इसके बदले में लूं तो? राम ने दोनों चीजें उसके सामने रखी। सेल्समैन ने दोनों की जांच की और वो लाल रस को देखकर तो शॉक हो गया। यह आपके पास कहां से आया साहब? ऐसा लाल रस तो आजकल कहीं नहीं मिलता। यह सुनकर राम खुश हुआ। सेल्समैन फिर भी उस्ताद को देने से कतरा रहा था। राम को लगा कि उसका कुछ तो कारण हो सकता है। उसने पूछा, तुम्हारे इस पत्थर को बेचने से नौकरी क्यों जाएगी? सेल्समैन ने पहले जो बात कही थी वो याद करते हुए राम ने पूछा, क्योंकि वो मेरी मंजूरी के बिना वो दरवाजा नहीं खोल सकता, फिर भी उसने वो किया। अचानक ही राम के पीछे से एक बेहद बूढ़ी आवाज आई। सेल्समैन राम के पीछे के आदमी को देखकर फ्रीज हो गया, मानो उसने खुद के सामने खुद की मौत को देख लिया हो। उस्ताद, मैंने मना किया लेकिन इन्होंने मुझसे जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया। सेल्समैन के हाथ पैर कांप रहे थे। राम ने पीछे मुड़ के देखा तो उस्ताद खड़ा था। दाढ़ी और सफेद सर के लंबे सफेद बालों में उस्ताद कम से कम 100 साल का दिखता था।
लेकिन उसकी आंखों की रोशनी को देखकर कोई उसे 20 से ज्यादा की उम्र का नहीं बोलेगा। उस्ताद अचानक ही राम को देखकर हवा में कुछ सूंघने लगा। ओहो, वैकुंठ राजशेखर का खून यहां? राम दंग रह गया। तुम कौन हो, ऐसा पूछ बैठा। जैसे ही उसने प्रश्न पूछा, अचानक ही गुप्त वस्तु भंडार में सब चुप हो गए, मानो राम ने कोई गलत बात बोल दी हो। लेकिन उस्ताद ने सिर्फ स्माइल की। मैं उस्ताद? और ये अपराजित पत्थर कम से कम 100 साल पुराने, किसी राजशेखर को इन्हें छूने नहीं दूंगा। अब बात राम की ईगो पर आ गई थी। देखिए, मैं आपको बदले में ये दे रहा हूं ना। राम ने लाल रस के शीशी और 2 अपराजित पत्थर की गोलियां दिखाई। उस्ताद ने 2 गोलियों को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन राम के हाथ में लाल रस को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। उसने वो शीशी ले ली और ध्यान से उस शीशी को देखने लगा। ये तुम्हारे पास कहां से आई, उस्ताद ने पूछा। न जाने क्यों राम इधर हरी के बारे में बताने में कंफर्टेबल नहीं था। न जाने कौन सी दुनिया थी और ये बुढ़ा कौन था। मैंने जंगल में पाया, ऐसा आधा अधूरा जवाब देकर राम ने उसके हाथ से शीशी ले ली। लेकिन अब उस्ताद ने राम का हाथ पकड़ लिया और राम के हाथ की रेखाओं को देखने लगा। राम को लगा कि यह बुढ़ा कहीं पागल तो नहीं है, न जाने वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। अरे बाप रे, तुम तो दूसरे वैकुंठ राजशेखर हो, उस्ताद के मुंह से सुनकर राम चौंक गया। शुद्धिपुरम के लोग भी उसे वैकुंठ राजशेखर ही समझते थे, ये बुढ़े को कैसे पता। मेरे शिष्य बनोगे, उस्ताद ने अचानक ही राम से पूछा। राम उस्ताद को ठीक से जानता तक नहीं था, वो उसका शिष्य क्यों बनेगा, और वैसे भी उसने अपने पिता कृष्णन को बचपन से गुरु माना हुआ था। माफ करना, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। ये कहते हुए राम थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर काउंटर के पास गया। ये पत्थर मुझे दे दीजिए ना, बस इतना ही काम है। सेल्समैन ने डरते हुए उस्ताद को देखा तो उस्ताद ने हाँ में सर हिलाया। सेल्समैन ने एक जादुई थैली में 2 अपराजित पत्थर डाले। उस थैली की साइज छोटी हो गई, जैसे अंदर कुछ गया ही ना हो। राम तुरंत उस अजीब जगह से निकलने गया। उस्ताद की नजर पूरे टाइम उस पर ही थी। मैं तेरी राह देखूंगा राम, उस्ताद ने उसके पीछे आवाज दी, लेकिन राम ने पीछे मुड़के नहीं देखा। अचानक ही बाहर शुद्धिपुरम मार्केट में फिर से गुप्त वस्तु भंडार की बिल्डिंग प्रकट हुई और उसमें से राम बाहर निकल के अब राजशेखर के ठेले के पास भागने लगा। उसने पीछे मुड़के भी नहीं देखा। देख लिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि राम के गुप्त वस्तु भंडार से निकलने के बाद वो बिल्डिंग फिर से ओझल हो गई थी। वो जब शुद्धिपुरम मार्केट की भीड़ में पहुंचा, तभी उसे रियलाइज हुआ कि उस्ताद ने आखिर में उसे अपने नाम से बुलाया था। वो चौंक गया, क्योंकि राम ने अपना नाम कहा ही नहीं था। कौन था वो, राम के दिमाग में प्रश्न आया। लेकिन अचानक कृष्ण की डांट उसे वर्तमान में लेकर आई। दूसरी बार तुम ठेला छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, समझे। कृष्णन तुरंत ही राम को आते देख भड़क उठा। सच तो ये था कि उन लोगों का अपराजित पत्थर का व्यापार तो अच्छा हुआ था, लेकिन वापस आते ही देखा था कि एक भी बैम्बू नहीं बिका था। तब नरसिंह और उदयन ने राम पर इल्जाम लगाया था। अचानक भास्कर ने गुस्से में राम का कॉलर पकड़ा और अपनी ओर खींचा। क्या समझे तुम, दूसरी बार काम के समय इस तरह भटकने गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भास्कर अब एक व्यापारी के रूप में था और काफी गुस्से में था। वैसे भी अब काफी रात हो चुकी थी और मेला खत्म होने को था। बैम्बू को वापस घोड़ों पर डालकर वो लोग वापस नोनुप विला के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कृष्णन ने देखा कि राम कुछ डिस्ट्रैक्टेड था। अचानक उसका ध्यान राम की कमर पर बंधी छोटी थैली पर गया। इसमें क्या है, कृष्णन ने पूछा। नहीं, अचानक राम ने उस्ताद की आवाज अपने घोड़े के पीछे से सुनी। राम दंग रहकर पीछे देखने लगा तो वहां तो कोई नहीं था। कुछ नहीं, बस राम ने कुछ ऐसा जवाब दिया तो कृष्णन को और डाउट हुआ। नोनुप विला पहुंचते ही सारे लोग थक हार के सो गए, लेकिन राम ना सो पाया। वो बैम्बू के सड़े हुए जंगल में पाइट का अभ्यास करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस रात राम से वो अभ्यास हुआ ही नहीं। उसने हड्डी चूर मुक्के ट्राई किए तो एक गूंज भी नहीं निकली। राम के पसीने छूट गए। अचानक ही फिर से उस्ताद की आवाज आई। कहा ना, मुझे गुरु बना लो। दंग हो के राम ने फिर से इधर उधर देखा, पर उस्ताद उधर नहीं था। राम का सर जोरों से फटने लगा। कौन था उस्ताद और उसे इस तरह हॉन्ट क्यों कर रहा था। कृष्णन को भी नींद नहीं आ रही थी, दरअसल उसे राम की चिंता हो रही थी। कहीं मैं उसे व्यापारी बनने के लिए जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं ना। कृष्णन को ये विचार आया और ये कि उसे राम से तुरंत बात करनी चाहिए। वो अपने बिस्तर पर से उठा और राम के कमरे में गया। राम, एकदम ही प्यार से बोलते हुए कृष्णन ने राम के कमरे का दरवाजा खोला। उसे लगा कि शायद राम सो रहा होगा, लेकिन राम तो बिस्तर पर था ही नहीं। राम, कृष्णन ने पूरे कमरे में ढूंढा। आधी रात को आराम करने के बदले कहां गया होगा ये लड़का। अचानक ही कृष्णन का ध्यान एक छोटी थैली पर पड़ा जो मेले से वापस आते वक्त राम की कमर में लटक रही थी। कृष्णन ने लालटेन की रोशनी में वो थैली उठाई और खोली। अंदर से
सिल्वर चमक ने कृष्णन की आंखों को चकाचौंध कर दिया और फिर उसने वो अपराजित पत्थर देखे। उस्ताद, कृष्णन ने शौक से पत्थर पर लिखा हुआ नाम पढ़ा और उसके पसीने छूटने लगे। कृष्णन अचानक ही चीख पड़ा, अप्पा! भोर होने तक राम ने हड्डी चूर मुक्कों की गूंजे निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ न हुआ। उसने हरी में से थोड़ा लाल रस भी पी लिया, लेकिन मानो उस्ताद की वजह से कोई भी चीज राम पर असर ही नहीं कर रही थी। राम का दिमाग खराब हो गया, ऐसा तो लाइफ में कभी नहीं हुआ। तभी उसे याद आया कि उसे अपने सपने वाली सुनहरी आकृति की मदद लेनी चाहिए, शायद वही मेरी शक्तियां लौटा दे। राम बोलने लगा और अपने बेडरूम की ओर भागा। वो अपने बेडरूम में आया तब कृष्णन वहां नहीं था। राम सीधा अपनी पलंग पर गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और फिर वो सपने वाली गुफा में जा बैठा। सामने आई वही सुनहरी आकृति, लेकिन वो आकृति कुछ अलग थी। अचानक ही आकृति का चेहरा दिखने लगा और राम चेहरा देख के चौंक गया, क्योंकि वो चेहरा उस्ताद का था। सपने में उस्ताद ने गुस्से में राम को एक थप्पड़ मारा। राम अपने बिस्तर पर से नीचे गिर गया और उठ के देखा तो उसका मुंह उस थप्पड़ की वजह से सूज गया था। तभी भास्कर और कृष्णन दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके कमरे में घुस गए। भास्कर ने उसे कॉलर से पकड़कर बिस्तर पर बिठाया। राम को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अचानक भास्कर ने कपराजित पत्थर उसे दिखाकर बोला, ये उस्ताद तुम्हें कहां मिला? जवाब दो वरना आज यहां तुम्हारा खून बहेगा। राम का दिमाग घूमने लगा। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? कौन था वो उस्ताद? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अप्पा, मैंने क्या किया है? राम बौखला के बोलने गया, लेकिन भास्कर ने उसे कुछ आगे बोलने ही नहीं दिया। सच तो ये था कि उस्ताद की राजशेखर परिवार से सालों की दुश्मनी थी। क्यों? कुछ समय बाद जब भास्कर राम को उस्ताद से दूर रहने की धमकी देते हुए उस्ताद नाम के पत्थर लेकर वहां से चला गया, तब राम ने कृष्णन को पूछा तो कृष्णन की आंखों में नाराजगी थी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम अपने दिए हुए काम पे ध्यान क्यों नहीं देते। देखो, ये उस्ताद और हमारे दादा वैकुंठ की भारी दुश्मनी थी। एक बात बताओ, कृष्णन ने राम के पास आके बहुत ही चिंता में पूछा, क्या उस्ताद ने तुम्हें अपना शिष्य बनाने की बात की? राम के मन में डर पैदा हुआ और उसके बिस्तर के नीचे खेल रही छोटी आग पिशाची का कद थोड़ा बड़ा हुआ। हाँ, क्यों? राम ने पूछा। कृष्णन की आंखों में बेहिसाब चिंता आ गई। तुम बस दूसरी बार उससे मिलने मत जाना, चाहे वो तुम्हें कितना भी बुलाए, कृष्णन ने कहा और जानी क्यों, लेकिन राम ने उसे रोक दिया। आप लोग मुझे बताएंगे कि चल क्या रहा है? क्यों है उस्ताद हमारा दुश्मन? राम ने पूछा। कृष्णन को लगा कि राम के लिए सच जानना बहुत जरूरी था। सालों पहले जब वैकुंठ राजशेखर शुद्धिपुरम के राज्य का बेस्ट योद्धा था, तब उसके बचपन का दोस्त उस्ताद उसी के पास से पायट्य युद्ध कला सीखा था। कहा जाता है कि वैकुंठ ने उसे गुप्त पायट्य का महारथी बनाया था, लेकिन उस्ताद ने वैकुंठ की पीठ में ही छुरा भोंका था। दोस्ती के नाम पर एक छोटी पायट्य जंग को छेड़ने के बहाने उस्ताद ने एक रात वैकुंठ की सारी शक्तियां गुप्त पायट्य के जरिए खुद के पास रख ली थी। वैकुंठ की उम्र भी हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही बीमार पड़ के मर गया और उस्ताद अमर हो गया। अब जब कभी वो राजशेखर का खून सूंघ लेता है, तभी कोशिश करता है कि अपनी चिकनी और लुभावनी बातों में फंसा के उसके अंदर की शक्तियां भी ले ले। कृष्णन ने बात पूरी करते हुए कहा। राम चकाचौंध रह गया। पर वैकुंठ राजशेखर के साथ उसने ऐसा क्यों किया? इस बात का जवाब कृष्णन के पास नहीं था। यह रहस्य वैकुंठ राजशेखर के साथ ही चला गया। स्वाभाविक है, उस्ताद तुम्हें तो यह रहस्य नहीं बताएगा कि उसने वैकुंठ राजशेखर को धोखा क्यों दिया। कृष्णन वहां राम को अकेले छोड़ चला गया। राम को विचार आने लगे कि इसी वजह से उसकी गूंजे नहीं निकल रही थी। कैसा शक्तिशाली योद्धा था ये उस्ताद! सिर्फ राम का हाथ छूकर ही उसने कुछ शक्तियां अपने पास रख ली थी, तो मुझे वो शक्तियां वापस कैसे मिलेंगी? राम ये कृष्णन से पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई। इसका क्या उपाय था? अचानक राम का हाथ उसके दूसरे हाथ की चमड़ी पर गया। उसकी कछुए की पीठ की तरह कड़क चमड़ी थोड़ी सॉफ्ट लग रही थी। आधी रात थी, लेकिन फिर भी राम भाग के कनकी के कमरे में गया। कनकी चैन से सो रही थी, लेकिन राम के पास उसे उठाए बिना कोई ऑप्शन नहीं था। क्या हुआ? कनकी ने बौखला के पूछा। राम ने अपना हाथ आगे धरा। क्या तुझे भी मेरे हाथ की चमड़ी मुलायम लग रही है? राम ने डरते हुए पूछा। कनकी ने हाथ को टच किया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राम को देखते हुए हां में सर हिलाया।
राम तूफान की तरह वापस कृष्णन के कमरे की ओर गया। पर हुआ क्या है? कनकी ने पूछा तो सही, लेकिन राम जा चुका था। अप्पा, कुछ जरूरी बात करनी है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राम के लिए अब कृष्णन की मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। राम ने कृष्णन को सब सच सच बताया कि किस तरह उस उस्ताद ने उसका हाथ पकड़ के उसे वैकुंठ राजशेखर बोला था। उसके बाद जो भी हुआ राम ने सब साफ साफ बता दिया। कृष्णन हक्का बक्का रह गया। वो चुपचाप सोचने लगा कि अपने बेटे का एक डैमेज कंट्रोल कैसे करे। पापा, क्या मुझे पहली परत से पाइट की कला का अभ्यास करना होगा? राम ने पूछा। कृष्णन की आंखों में अचानक ही चमक आ गई। उस थैले में अपराजित पत्थर के अलावा और क्या था? कृष्णन ने अचानक ही पूछा। राम ने कहा कि पत्थर के अलावा तो उसने उस भंडार में से कुछ और नहीं खरीदा था, लेकिन कृष्णन उस्ताद को बहुत अच्छे से जानता था। मुझे वो थैली फिर से दिखाओ, कृष्णन ने पूछा। राम के कमरे में थैली दिखने में तो खाली लग रही थी, क्योंकि भास्कर वो दो पत्थर लेकर चला गया था। कुछ भी तो नहीं है। राम ने थैली को छुए बिना खोला। खोल के देखो, कृष्णन ने कहा। राम ने वो खाली दिखती थैली को खोला और अंदर से एक लाल किताब को पाया। राम खुद स्तब्ध रह गया। ये कब? राम हकलाते हुए बोलने लगा। ये लाल किताब तो उसने भंडार में भी नहीं देखी थी और रास्ते में उसका भार भी महसूस नहीं किया था। कृष्णन ने उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, बल्कि लालटेन की रोशनी में वो किताब को खोल के पढ़ने लगा। कुछ समय तक राम ने भी कुछ नहीं बोला। तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आई, उसमें ही तुम्हारा उपाय है। आवाज उस्ताद की थी। राम ने दंग होकर पीछे देखा तो उस्ताद तो था नहीं, मतलब अभी भी उस्ताद राम के दिमाग से निकल नहीं रहा था। अपा, क्या पढ़ रहे हैं? राम ने आखिर पूछ ही लिया, पर न जाने क्यों कृष्णन के हाव भाव कुछ शांत हो गए थे। वो एक पन्ना पढ़ के खड़ा हुआ और तुरंत राम के दरवाजे के बाहर कोई है तो नहीं वो चेक करके दरवाजा बंद किया। उस्ताद हमारा दुश्मन है, लेकिन तुम्हारी शक्तियां वापस लौटाने के लिए हमें उसी के रास्ते पर चलना होगा राम, कृष्णन ने कहा। राम को अजीब लगा कि अभी तक तो कृष्णन उस्ताद के विरुद्ध था। ऐसा क्या था उस लाल किताब में कि कृष्णन का ओपिनियन बदल गया? वो कल बताऊंगा, अब थोड़ा सो लो ताकि इस लाल किताब में दिया हुआ उपाय तुम कल आजमा सको, कृष्णन ने कहा। और फिर अचानक राम की आंखों में आंखें डालकर बोला, ये बात अप्पा को नहीं पता चलनी चाहिए, समझे? कृष्णन राम का जवाब सुने बिना ही वहां से चला गया। राम अपने बिस्तर की ओर गया। ये सब उसे सपने जैसा ही लग रहा था। कहीं उसने वो गुप्त वस्तु भंडार में घुसकर गलती तो नहीं कर दी थी ना? निर्वाण शक्ति हासिल करना तो दूर की बात, राम कहीं अब बाकी की शक्तियां भी ना खो दे। ये सब सोचते हुए राम बिस्तर पर पड़ा रहा। वो इतना थका था कि कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। उसी समय एक खबरी अंधेरे को चीरता हुआ नोनुप के टेम्परेरी घरों की ओर गया और एक बंद दरवाजे पे बहुत ही जोर से टक्कर की। क्या है? दरवाजा खुद ही खुल गया और अंदर अंधेरे में से एक आलसी आवाज आई। वो खबरी अंदर गया तो भीमराव गहरी नींद में था, लेकिन फिर भी जैसे उस खबरी की राह देख रहा हूं वैसे नींद में ही बात कर रहा था। इतनी देर क्यों लग गई खबर लाने में? भीमराव नोनुप ने कहा। साहब, खबर अच्छी नहीं, उस खबरी ने अंधेरे में खुद की शक्ल को छिपाते हुए कहा। यह सुनकर भीमराव की आंख तुरंत खुल गई। भौंको, उसने बोला। खबरी ने डरते हुए खबर दी कि राजशेखर परिवार के लिए बैंबू के जंगल से मिले अपराजित पत्थर असली हो गए, उनके काफी अच्छे दाम आए थे। भीमराव दंग होकर सुनता रहा। सच तो ये था कि नोनू परिवार ने राजशेखर परिवार को परेशान करने के लिए उस जगह पर एक दवाई छिड़की थी जहां राजशेखर परिवार को अपराजित पत्थर की खान मिली थी। वो दवाई ऐसी थी जिससे नीचे की मिट्टी का रंग सिल्वर हो जाता था। दूर से ऐसा दिखता था कि वो अपराजित पत्थर है, लेकिन वो केमिकली कलर्ड मिट्टी थी, इसलिए राम की आंखों के सामने वो 200 किलो अपराजित पत्थर मिट्टी में मिल गए थे। तो फिर वो असली कैसे हो गए? मैं क्या करूं साहब, मैं बस एक खबरी हूं, उसने खुद का बचाव करते हुए कहा। भीमराव अपना सर खुजलाता रह गया कि ये क्या चमत्कार हुआ, लेकिन खबरी अभी भी उधर ही खड़ा था। अब क्या है? भीमराव ने पूछा। खबरी के पास एक और बुरी खबर थी। राम को उस्ताद मिल गया था और लाल किताब अब राम राजशेखर के पास थी। भीमराव के पूरे बदन में आग लग गई। पर क्यों? सब जानते थे कि उस्ताद तो राजशेखर परिवार का दुश्मन है, तो भीमराव इतना भड़क क्यों गया? कहीं भास्कर और कृष्णन ने उस्ताद को गलत तो नहीं समझा था ना? भीमराव ने दूसरी रात होने का इंतजार करना चाहा। सबसे पहले वो अपने आदमी को लेकर नोनुप विला के बैंबो जंगल में जाएगा, कहीं वो अपराजित पत्थर की खान असली वाली तो नहीं। भोर होते ही राम और कृष्णन आमने सामने आए।
उस्ताद का पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है। कृष्णन ने लाल किताब को दिखाते हुए कहा, तुम इसमें से रोशन सीख लो। रोशन? राम को लगा कि ये कैसा नाम है। रोशन था क्या, युद्ध कला या फिर किसी का नाम? युद्ध कला, कृष्णन ने कहा और उसे आगे एक्सप्लेन किया। रोशन गुप्त पाइट की ऐसी तकनीक थी जिससे एक योद्धा अपने दिमाग से ही पाइट खेलता था और दिमाग से ही सामने वाले को हराता था। उसे हाथ या पैर चलाने की जरूरत नहीं थी। तो मन ही मन जंग लड़नी थी। राम कंफ्यूज हो गया, ऐसा कैसे संभव था? गुप्त पाइट की युद्ध कला में कुछ असंभव नहीं है, कृष्णन ने कहा और राम को रोशन की तकनीक सिखाने लगा। रोशन की तकनीक में एक योद्धा को सबसे पहले स्थिर खड़े रहना था, फिर आंखें बंद कर उसे अपने शरीर की सारी शक्ति अपनी तीसरी आंख पर केंद्रित करनी थी। फिर थोड़ी देर इसी तरह शक्ति केंद्रित करने के बाद उसे कुछ डिजाइंस दिखने वाली थी। एक सीधा त्रिकोण दिखेगा और एक उल्टा, कृष्णन ने समझाया। राम ने फोकस किया और उसकी बंद आंखों के सामने सच में एक सीधे त्रिकोण को मिलते हुए एक उल्टा त्रिकोण आया। कृष्णन ने राम को फिर एक मंत्र बुलवाया, कहो ओम। राम ने कहा ओम और उस ओम की ध्वनि राम के पूरे शरीर में फैल गई। ये करते करते आधा घंटा बीत गया और तब राम ने एक अजीब चीज देखी। उसकी आंखें बंद थी लेकिन फिर भी वो बैम्बू के जंगल के बीच सामने खड़े कृष्णन को साफ साफ देख सकता था। दंग होकर राम ने तुरंत आंखें खोली। मैंने कहा तुम्हें आंखें खोलने को, कृष्णन ने डांट दिया। लेकिन अपा, बंद आंखों से भी मैं आपको देख सकता था, ये कैसे हो सकता है? राम को यकीन ना हुआ। कृष्णन ये सुनकर स्माइल कर बैठा। सच में तुम में जो पाइट की शक्ति है वो कोई मामूली शक्ति नहीं है राम, कृष्णन ने खुश होकर कहा। वरना जो काम तुम्हारे दिमाग ने आधे घंटे में किया वो कुछ योद्धा एक हफ्ते में भी नहीं कर पाते। राम ये सुनकर दंग रह गया। उसने फिर से आंखें बंद की और कुछ ही देर में फिर से बंद आंखों से बाहर देखने लगा। अचानक ही कृष्णन उसके सामने से गायब हो गया और उसके सामने आ खड़ा हुआ उस्ताद। उस्ताद गुस्से में लग रहा था। तुमने मुझे गुरु नहीं बनाया फिर भी तुम मेरी तकनीक सीख रहे हो? उस्ताद की आंखें गुस्से में लाल थी। राम ने आंखें खोलने की कोशिश नहीं की। तुम्हें करना बहुत ही भारी पड़ेगा राम राजशेखर, ये कहते हुए उस्ताद अचानक उसकी बंद आंखों के सामने से ओझल हो गया और फिर राम ने अपनी आंखें खोली। सामने कृष्णन भी नहीं था। अप्पा, राम कंफ्यूज हो गया और इधर उधर देखने लगा। अरे अभी इधर ही तो था कृष्णन। अप्पा कहते हुए राम थोड़ी देर बाद नोनुब विला की लॉबी में कृष्णन को ढूंढते हुए पहुंचा। अचानक ही कृष्णन अपने कमरे से बाहर निकला और अभी ही उठ के आया हो वैसा दिख रहा था। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? कहते हुए कृष्णन ने एक अंगड़ाई ली। राम को अब उल्टी जैसा महसूस होने लगा क्योंकि उसका दिमाग बेहिसाब चकराने लगा था। आप अंदर क्या कर रहे हैं, आप तो मेरे साथ जंगल में थे ना, राम ने कृष्णन से कहा। कृष्णन ने बहुत कंफ्यूज होकर पूछा, मैं तुम्हारे साथ जंगल में था, कब? राम ने सब समझाया, वो लाल किताब और रोशन की तकनीक। पर कृष्णन राम को ऐसे देख रहा था जैसे राम कोई और भाषा में बात कर रहा हो। फिर अचानक कृष्णन ने राम के सर पर हाथ रखा। आज के दिन तुम आराम करो, लगता है तुम बहुत थक गए हो, जाओ सो जाओ। ये कहते हुए कृष्णन ही राम को उसके कमरे में लेकर गया। राम को जबरदस्ती बिस्तर पर लिटाया। अप्पा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ वहां कौन था। राम अभी भी बोले जा रहा था लेकिन कृष्णन ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली और उसे जबरदस्ती सुला दिया। कृष्णन के जाने के बाद राम फिर से खड़ा हुआ। वो लाल किताब तो पूरे टाइम कृष्णन के हाथ में ही थी। अगर कृष्णन झूठ बोल रहा है तो राम उस लाल किताब के जरिए ही कृष्णन के झूठ को पकड़ सकता है। अप्पा के कमरे में ही होनी चाहिए। ये कहते हुए राम अपने बिस्तर पर से उठा और कृष्णन के कमरे में जाने लगा। तभी अपनी ही टेबल पर वो लाल किताब देखकर दंग रह गया। ये किताब यहां कैसे आई? क्या हो रहा था राम के साथ? ये किस जंजाल में पड़ गया था राम राजशेखर? क्या उस्ताद राम को बर्बाद करके रहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अप्पा, मुझे राम की चिंता हो रही है। कुछ घंटों बाद फ्रेश होकर कृष्णन भास्कर को यह कहने गया। कृष्णन और भास्कर ने राम के पास से उस्ताद के अपराजित पत्थरों को बरामद किया था। कृष्णन को डर था कि उस्ताद इतना शक्तिशाली है कि राम के दिमाग के साथ खेल रहा है, उसको राम के दिमाग से कैसे निकालें? कृष्णन ने भास्कर को यह पूछा, पर यह बात राम ने बाहर से सुन ली। राम तभी कृष्णन को लाल किताब के लिए ढूंढने निकला था। आखिर कल रात जब वो कृष्णन के कमरे में सब सच बताने गया था
तभी कृष्णन ने ही लाल किताब की बात की थी, और कृष्णन ने ही तो उसे कहा था कि उसका उपाय लाल किताब में है, और सुबह कृष्णन ने ही तो उसे रोशन तकनीक सिखाई थी, तो कृष्णन ऐसी डबल बातें क्यों कर रहा था? मानो वो लाल किताब के अस्तित्व के बारे में जानता ही ना हो। क्या वो कृष्णन के बदले कोई और था? राम का दिमाग अब थक गया था। शायद अप्पा सही कह रहे हैं, मुझे आराम की जरूरत है, ये कहते हुए राम फिर से अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। उसे ऐसी थकान सालों से नहीं लगी थी। उस्ताद के मिलने के बाद सच में बहुत कुछ बदल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो राम खुद से डिस्कनेक्ट हो रहा हो। राम ये सोचते सोचते सो गया। राम के दिमाग के अलावा नोनो विला में काफी खुशी छाई हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने अपराजित पत्थर को अच्छे दामों में बेचा था। कृष्णन को आशा थी कि राम आराम कर लेगा, फिर उससे सब शेयर करेगा कि अब राजशेखर परिवार का मेन बिजनेस बैम्बो नहीं बल्कि अपराजित पत्थर का होगा। अपा, मैं चाहता हूं कि राम को थोड़ा आराम दिया जाए, उसे व्यापारी ना बनाया जाए तो? सबके जाने के बाद कृष्णन ने हिम्मत करके भास्कर को पूछा। भास्कर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पायट की युद्धकला राजशेखर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन उससे उसका पेट तो नहीं भरेगा ना, व्यापारी भास्कर ने कहा। राम के लिए व्यापारी बनना जरूरी था। भास्कर ने कृष्णन को राम पर कड़ी नजर रखने को भी कहा। मुझे डर है कहीं वो उस्ताद राम को अपनी ओर खींच ना ले, सब तबाह हो जाएगा, भास्कर ने कहा। भास्कर राजशेखर कहां जानता था कि उन्हें तबाह तो कोई और भी कर सकता था, क्योंकि उस रात को शुद्धिपुरम की सीमा पर एक बड़ा कारवां आकर रुका। ढेर सारे घोड़े थे और कुछ बैलगाड़ियां थी। उस कारवां में बच्चे, बूढ़े, औरतें सब थे। सब लोग मद्रास से शुद्धिपुरम की ओर सफर कर रहे थे। कुछ खाने पीने के लिए थोड़ी देर शुद्धिपुरम राज्य की सीमा पर रुके थे। अप्पा, शाम के दौरान शुद्धिपुरम की सीमा पर रुकना ठीक नहीं है, यहां ठगे, एक आदमी ने कारवां के सरदार को कहा। लेकिन यह सुनकर बहुत सारे लोग उस आदमी को डरपोक कहीं का कहके हंसने लगे। लेकिन वो आदमी गलत नहीं था, क्योंकि दूसरे ही पल शुद्धिपुरम राज्य के जंगल में से मुंह पर काले कपड़े डाले हुए कम से कम 200 ठग अपने हाथ में काले रुमाल लेकर उस कारवां पर टूट पड़े। बुढ़े, बच्चे और स्त्रियों के भी गले अपने काले रुमाल से घोंट दिए, और सबसे आखिर में कारवां के सरदार को सर पर पत्थर मारकर मार डाला। जिस आदमी ने सबको वॉर्न किया था वो तो कब का मारा गया था। थोड़ी ही देर में शुद्धिपुरम राज्य की सीमा पर लाशें बिछ गई। सब ठग उस कारवां की चीजें लूटने लगे। सरदार, ज्यादा माल नहीं है, एक ठग निराश होकर ठगों के सरदार हुस्न सिंह के पास गया। हुस्न सिंह की आंखों के अलावा पूरे मुंह पर काला कपड़ा था, लेकिन फिर भी वो काफी खूंखार दिख रहा था। ये ठगों की मंडली पूरे देश में घूमती रहती थी, घूमते घूमते अब शुद्धिपुरम तक पहुंची थी। हुस्न सिंह ने पूछा कि कितना माल है, तो उसका आंकड़ा सुनकर हुस्न सिंह भी निराश हो गया। बस, हुस्न सिंह ने उस ठग को डांट दिया। अचानक ही दूसरा ठग भागते भागते आया। सरदार, हम शुद्धिपुरम राज्य की सीमा पर हैं, वो बोल उठा। हुस्न सिंह जानता था तो फिर ये ठग इन्फॉर्मेशन रिपीट क्यों कर रहा था? सरदार, भूल गए, यही नोनुब विला है, और मैंने खबर सुनी है कि नोनुब विला के मैदान के अंदर एक अपराजित पत्थर की खान मिली है, उस ठग ने एक्साइटमेंट में कहा। अपराजित पत्थर की खान का नाम सुनकर हुस्न सिंह की आंखें चौड़ी हो गई। क्या सच में उनके हाथ में चांदी लगी थी? अप्पा, नोनुब विला में अचानक ही राम की आंखें खुली। वो झटके से जागा था, और अचानक ही उसने रियलाइज किया कि रात हो गई थी। मैंने पूरा दिन सोकर गवा दिया, अप्पा ने मुझे उठाया क्यों नहीं? राम खुद से बहुत ही नाराज हो गया। वो तुरंत कृष्णन के कमरे में जाने के लिए निकल ही रहा था, तभी अचानक ही आ कहते हुए राम ने अपना सर पकड़ लिया। ये उस्ताद के मिलने से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसका सर क्यों फट रहा था? राम के सर पर कोई हथौड़े मार रहा हो ऐसी पीड़ा होने लगी, और अचानक ही उसे उल्टी हो गई। उल्टी काले रंग की हुई, और उल्टी करके राम ने अपनी आंखें ऊपर की तो उसके सामने खड़ा था उस्ताद। मेरे शिष्य बनो, इतना कहकर वो फिर से उछल हो गया। राम से अब सहन ना हो, ये उस्ताद से फिर से एक बार मिलकर डील करना सबसे ज्यादा जरूरी था। राम रात के अंधेरे में ही उस्ताद से मिलने शुद्धिपुरम बाजार की ओर अपना घोड़ा लेकर चल दिया। नोनुब विला के एक मेन गेट से राम को निकलते देख उस गेट के बाहर छिपे नोनुब के कुछ सिपाहियों ने एक दूसरे को कुछ इशारे किए, और फिर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें निकाली। ये आवाज गूंज कर नोनुब विला के पीछे के दरवाजे तक पहुंची।
नोनु विला के पीछे के दरवाजे पर खड़े थे भीमराव, उन्नी और प्रभुदेव नोनु। उनके साथ कम से कम 100 घोड़ों पर सवार स्वर्ग शक्ति से भरपूर गार्ड्स थे। रास्ता साफ है दादाजी, प्रभुदेव ने कुत्ते की आवाज का सिग्नल सुनकर कहा। फिर भी चुपके से जाएंगे, चलो। भीमराव ने इशारा किया और धीरे धीरे अपने घोड़े चलाते हुए वो लोग बैम्बो के जंगल की ओर जाने लगे। नोनू परिवार का प्लान था कि पहले तो अपराजित पत्थर की खान की टेस्टिंग होगी कि वो असली है या नहीं, और अगर असली हुई तो सुबह तक वो खान से जितना पत्थर चोरी हो सके उतना कर लेंगे। और अगर राजशेखर में से कोई जाग गया तो, प्रभुदेव ने पूछा। फिर तो क्या होगा, एक और युद्ध। प्रभुदेव को एक बात समझ नहीं आई, अगर युद्ध ही करना था तो पहले चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे। भीमराव ये प्रश्न सुनकर थोड़ा इरिटेट हो गया। आजकल का गर्म खून राजनीति में काफी कच्चा होता था। राम अपने घोड़े को भगाकर शुद्धिपुरम की गलियों की शांति को चीरते हुए फाइनली एक सुनसान बाजार में पहुंचा। स्वाभाविक है, सब ठेले बंद थे और एक भी आदमी नहीं था। राम ने अब अपने घोड़े को स्लो किया और गुप्त वस्तु भंडार की ओर चलने लगा। पर जैसे ही राम ने गुप्त वस्तु भंडार की गली में टर्न किया, उसके सामने गुप्त वस्तु भंडार के बदले दूसरी कोई बिल्डिंग देखकर वो दंग रह गया। गुप्त वस्तु भंडार कहाँ गया, राम ने बौखला के खुद को ही पूछा। और वो पूरा शुद्धिपुरम मार्केट घूम कर आया, लेकिन उसे गुप्त वस्तु भंडार कहीं नहीं मिला। क्या उस्ताद उससे भागता फिर रहा था, क्या थी ये जादूगरी। अचानक ही गुप्त वस्तु भंडार के बदले जो बिल्डिंग थी उसका दरवाजा राम के लिए अपने आप खुल गया। राम के दिल से आवाज आई कि जरूर उसी के लिए ये नई बिल्डिंग का दरवाजा खुला था। वो अपने घोड़े से उतरकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस गया। उसके अंदर घुसते ही फिर से वो बिल्डिंग उस रास्ते से उछल हो गई। राम अंदर पहुंचा तो जगह को देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये कोई शोरूम नहीं था, ये तो करूर का जंगल है। राम आंखें फाड़ कर अपने जाने पहचाने जंगल को देखने लगा। अरे इस जंगल में ही तो उसने सालों साल तक अपने पायट की प्रैक्टिस की थी, अचानक वो इधर कैसे पहुंच गया। मुझे यकीन था तुम आओगे, अचानक ही पीछे से उस्ताद की आवाज आई। और जब राम मुड़ा तो उसने एक अद्भुत नजारा देखा। उस्ताद रहस्यमय गुफा के नीले तालाब के किनारे खड़ा था। राम को देखकर वो खुश लग रहा था। तुम्हारे अप्पा और दादाजी ने मेरे बारे में बहुत बुरी बातें बोली होंगी, उस्ताद पॉइंट पर आ गया। और हां, मैंने ही वैकुंठ राजशेखर को धोखा दिया था, और कई सालों तक राजशेखरों के खून को सूंघकर उनकी शक्तियां वापस लेने की इच्छा रखता था। राम एकटक उस्ताद को देखता रहा। लेकिन राम, अब मैं बुढ़ा हो गया और मुझे अमर नहीं रहना है, मैं थक गया हूं। उस्ताद की आंखों में कहते हुए आंसू थे। उस्ताद राम की शक्तियां लेना नहीं चाहता था, बल्कि वैकुंठ की सारी शक्तियां राम को ट्रांसफर करना चाहता था। राम की आंखें फट गई। क्या उस्ताद सच कह रहा था या फिर उसे किसी जाल में फंसा रहा था। अब वैकुंठ राजशेखर की शक्तियां मुझे क्यों देना चाहते हैं, बाकी राजशेखर भी तो हैं, राम ने प्रश्न पूछा। ये सुनकर उस्ताद हंस पड़ा। बाकी राजशेखर राम राजशेखर नहीं है बेटा, तुम जानते नहीं हो कि तुम कौन हो और क्या हो, उस्ताद ने राम को कहा और अपने हाथ फैलाते हुए बोला। लेना चाहोगे वैकुंठ राजशेखर की सारी शक्तियां। वैकुंठ राजशेखर की शक्तियां लेने से राम के पास तुरंत ही स्वर्ग शक्ति आ जाती और उसका निर्वाण शक्ति को प्राप्त करने का रास्ता एकदम क्लियर हो जाता। पर क्या उस्ताद भरोसे के लायक था, क्या राम उसकी बात मानेगा। नोनू विला के बैम्बो जंगल में खुदाई चालू थी। ढेर सारे योद्धा मिलकर अपने घुटनों पर बैठकर हाथों से ही मिट्टी को खोद रहे थे। अगर अपराजित पत्थर की खान होगी तो तुरंत ही मिल जाएगी। दादाजी, अचानक ही थोड़ी देर एक जगह पर अपने ही नाखून से खोदने के बाद प्रभुदेव के हाथ में एक अद्भुत पत्थर का टुकड़ा आया। अपराजित पत्थर ही था, और वो भी असली वाला। मतलब भीमराव नोनुप जानता ही नहीं था कि उसके बैम्बो के जंगल के नीचे एक असली अपराजित पत्थरों की खान थी। लूट लो, भीमराव ही ऑर्डर दे। उससे पहले उन लोगों ने किसी और की आवाज सुनी। पहले तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन फिर कहीं से 200 ठगों ने आक्रमण कर दिया। यह आवाज हुस्न सिंह की थी, जिसने दूर से प्रभुदेव के हाथ में चमकता अपराजित पत्थर देख लिया था। नोनू परिवार उस खान को लूट ले उससे पहले तो उन ठगों ने आक्रमण बोल दिया था। राजशेखर परिवार के एस्टेट के अंदर पाई गई अपराजित पत्थर की खान को लेकर नोनू और उन ठगों के बीच एक खूंखार युद्ध छिड़ गया। स्वाभाविक है,
भास्कर से लेकर सबकी नींद खुल गई। क्या हो रहा है? भास्कर भागते हुए लॉबी की खिड़की पर देखने गया तो चौंक गया। उसकी नाक के नीचे क्या चल रहा था? राम, राजशेखर परिवार को तुरंत तुम्हारी जरूरत है। अचानक ही जैसे उधर हो रहे युद्ध का असर उस्ताद पर हो रहा हो, उस तरह उस्ताद अचानक सर से पैर तक कांपने लगा। राम दंग रह गया। क्या, क्यों, क्या हुआ? वो पूछ बैठा। मुझे गुरु स्वीकार करो बेटा, वरना आज राजशेखर परिवार में से कई लोगों की लाशें बिछेंगी, उस्ताद बोल उठा। राम का दिमाग घूम गया। कहीं उस्ताद उसको फंसाने के लिए तो ये सब नहीं बोल रहा था, ताकि राम तुरंत उसे गुरु स्वीकार कर ले। अचानक ही राम को अपना हरी महसूस हुआ। उसने तुरंत जेब से हरी को निकाला और देखा कि हरी बुरी तरह से फ्लिकर कर रहा। पिछली बार कनकी जब गुफा में बंद थी तब भी उसने इसी तरह बिगड़े हुए लाइट बल्ब की तरह फ्लिकर करते हुए वार्निंग दी थी। शायद उस्ताद सही था, कहीं इस बार उसका परिवार फिर से कोई मुसीबत में तो नहीं है ना। राम, उस्ताद ने और कांपते हुए चिल्लाया, और राम ने तुरंत ही उस्ताद के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूं उस्ताद। अचानक ही राम के सामने सब धुआं हो गया। दो ही पल में राम के पैर कोई दूसरी जमीन को टच कर बैठे। उसने आंखें खोली तो अचानक वो बैम्बू के जंगल में पहुंच गया था, और उसके सामने नोनो परिवार कुछ काले कपड़ों से ढके ठगों के साथ युद्ध कर रहा था। उसने दूर से अपने परिवार को अपनी अपराजित पत्थर की खान को बचाने की कोशिश करते हुए आते देखा। क्या करेगा राम? वो अकेला इस युद्ध को रोक पाएगा? क्या वो अपराजित पत्थर की खान को इन ठगों और नोनुप के हाथों से बचा पाएगा? उस्ताद को गुरु बनाकर क्या राम ने गलती कर दी? क्या वो अब अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। राम, वहां से हटो। राम को नोनुप और ठगों के बीचों बीच खड़ा देख कृष्णन भागते भागते चिल्लाया। उसे डर था कि इस लड़ाई में कहीं वो अपने बेटे को गवा ना दे, लेकिन अचानक राम ने अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। उसे एहसास हुआ कि सबसे पहले तो इन लोगों को अपने एस्टेट से हटाना जरूरी था। एक के बाद एक राम अपने हड्डी चूर मुक्के से ही सबकी खबर लेता रहा। तब राजशेखर परिवार के बाकी सदस्य भी आ गए थे, लेकिन राम के पायट्टे का हुनर देखकर वो लोग भी दंग रह गए। राम ने अकेले हाथ ही सबको निपटा दिया। अचानक ठगों की मंडली नोनुप विला के मैदान में आ गई, और राजशेखर और नोनुप अंदर अंदर झगड़ने लगे। राम भी प्रभुदेव से भिड़ रहा था। सरदार, अभी सही मौका है, एक ठग ने हुस्न सिंह को खुश होकर कहा। सच में तो उन्होंने दो प्लान बनाए हुए थे, एक तो अपराजित पत्थर लूटने का, और दूसरा अगर वो ना हो पाए तो नोनुप विला पर हल्ला बोलने का। हमारी सात पीढ़ी बैठ के खा पाएगी, उतना पैसा इस महल में सरदार, ठग ने अपना घोड़ा नोनुप विला की ओर ले जाते हुए कहा। राम का ध्यान अचानक ही ठगों पर पड़ा। अप्पा ठग, राम जोर से चिल्लाया, और सब राजशेखरों ने देखा कि ठग की मंडली अब नोनुप विला लूटने जा रही थी। तुरंत राम, नरसिंह, पल्लवी और कृष्णन अपने घोड़ों पर बैठे और उनका पीछा करने लगे। बाकी के लोग अभी भी नोनुप के आदमियों से भिड़ रहे थे, लेकिन ये चार लोग 200 ठगों को नोनुप विला में घुसने से कैसे रोक सकते थे? काश अनंत यहां होता, राम ने अचानक ये बात मन ही मन सोची, और तुरंत चमत्कार हुआ। 200 ठगों के घोड़ों के आगे की जमीन अचानक फट गई। कुछ घोड़े ठगों के साथ उस जमीन के अंदर घुस गए। कोई कुछ समझ पाए कि जमीन कैसे फट गई। अचानक राम ने जमीन से पंचमुखी सांप को निकलते देखा। अनंत, राम खुश हो गया, उसके दोस्त ने उसकी पुकार सुन ली थी। सांप को देखकर सारे घोड़े डरने लगे और नोनुप विला से दूर भागने लगे। हुस्न सिंह और बाकी ठग उन घोड़ों को नोनुप विला ले जाना चाहते थे, लेकिन पंचमुखी सांप की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अचानक राम ने देखा कि पंचमुखी सांप ने दूर से ही राम की ओर देखा और आंख मारी। इससे पहले कि राम समझ पाए कि इसका क्या अर्थ है, वो पंचमुखी सांप फिर से फटी हुई धरती के अंदर घुस गया। लेकिन धरती अभी भी फटी हुई ही थी, और अब राजशेखर वर्सेस ठग की लड़ाई थी। तो 20 साल का लौंडा खुद को हुस्न सिंह से भी ज्यादा ताकतवर समझता है? हुस्न सिंह ने अपने घोड़े से उतरकर एक बड़ी तलवार निकाली। समझता नहीं, ताकतवर हूं। राम भी अपने घोड़े से उतर गया। अब सिर्फ हुस्न सिंह और राम आमने सामने थे। हुस्न सिंह ने पहला वार किया। सच तो यह था कि राम अब साधारण धरा शक्ति वाला योद्धा नहीं था, अब वो उस्ताद का शिष्य था। उस हुस्न सिंह को राम ने दो पल में ही थका दिया। सारे ठग ही नहीं बल्कि राजशेखर परिवार भी राम की हिम्मत देखकर दंग रह गए। आज राम की लड़ाई में कुछ तो अलग है, नरसिंह ने पास खड़े कृष्णन को कहा। कृष्णन समझ गया कि उसका कुछ उस्ताद से लेना देना जरूर है।
लेकिन यह कोई समय नहीं था कि राम से उस्ताद के बारे में पूछा जाए। राम ने एक आखिरी हड्डी चूर मुक्का मार के हुस्न सिंह को दूर फेंक दिया। सारे ठग डर गए। हरे, ये तो जंगली योद्धा है, भागो। एक ठग ने डर के बाकी सब ठगों से कहा और किसी ने हुस्न सिंह को जमीन से उठा के घोड़े पर बिठाया और वो लोग वहां से भाग गए। ठगों को इस तरह भागते देख नोनो भी डर गए। वैसे भी वो लोग राजशेखरों से लड़ लड़ के थक गए थे। भीमराव से लेकर प्रभुदेव फिर से एक बार राजशेखर के सामने हारते हुए अपने घोड़ों पर भाग गए। अब रह गए सिर्फ राजशेखर, एक ओर राम राजशेखर और दूसरी ओर पूरा परिवार। राम ने देखा कि उसके परिवार वाले उसे काफी नफरत से देख रहे थे। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने तो ठगों को भगाया था, तो इतनी नफरत क्यों? क्या बात है? राम सबको पूछ ही बैठा। अचानक भास्कर आगे आया और गुस्से में बोला, मुझे हाथ लगाए बिना मुझ पर वार करो और उस बैंबू के जंगल तक पहुंचाओ। भास्कर की ऐसी रिक्वेस्ट से सब दंग रह गए, सबसे ज्यादा तो राम। क्या? नहीं दादाजी, मैं आप पे वार नहीं करना चाहता। लेकिन भास्कर कुछ टेस्ट कर रहा था। उसने डबल गुस्से में चिल्लाया, मैंने कहा हाथ लगाए बिना वार करो। कृष्णन समझ गया कि भास्कर क्या प्रूव करना चाह रहा था। राम के पास भास्कर को मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने खुद की शक्तियां अपनी तीसरी आंख में केंद्रित की और अचानक ही आंख बंद करके उसने मन ही मन भास्कर पर वार किया। राम ने बंद आंखों से ही पता कर लिया कि उसका वार निशाने पे लगा है या नहीं, क्योंकि भास्कर उछल के सीधा बैंबू के जंगल की सीमा पर गिरा। अप्पा कहते हुए कार्तिक और बलराम उसकी ओर भागे, लेकिन कृष्णन ने शौक में राम को देखा। रोशन कब सीखी? कृष्णन गुप्त पाइट की रोशन तकनीक की बात कर रहा था। राम कंफ्यूज हो गया। अप्पा, कल आपने ही तो सिखाई। राम जानता था कि शायद कृष्णन के बदले उस्ताद ने ही कृष्णन के रूप में आकर उसे तकनीक सिखाई थी, लेकिन फिर भी वो ये बात मानना नहीं चाहता था। लेकिन कृष्णन के चेहरे के भाव देखकर वो समझ गया कि सच में कृष्णन ने उसे तकनीक नहीं सिखाई थी। भास्कर ने वापस आते हुए कहा, इसका एक ही मतलब हो सकता है। भास्कर ने गुस्से में राम को देखा, हमारे लाख मना करने के बावजूद इस लड़के ने उस्ताद का शिष्य बनना मंजूर कर लिया है। सबने फटी आंखों से राम को देखा। राम पूरे परिवार का ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब कि राम ने अपने आप, बलराम बोल उठा। अपने आप क्या? राम ने बलराम को अपनी बात पूरी करने को कहा। कृष्णन ने राम की आंखों में आंखें डालकर देखा, राम तुम में अपने आप स्वर्ग शक्ति का संचार हो चुका है। राम का दिमाग घूम गया। कैसे? उसे तो फील भी नहीं हुआ। एक बात बताओ, ये पंचमुखी सांप कहां से आया? कृष्णन ने ही पूछ लिया। तभी राम को स्ट्राइक हुआ। उसने सिर्फ सोचकर ही मदद मांग ली थी। यही स्वर्ग शक्ति का सिम्टम्स होता था। इंसान अपने दिमाग से ही पूरी दुनिया को चला सकता था। लेकिन स्वर्ग शक्ति हासिल होने पर राम के परिवार वालों को खुश होना चाहिए, पर इसके उलट सब और कृष्णन भी राम से नाराज लग रहे थे। राम को लगा ऐसी सिचुएशन में कनकी ही थी जो उसे समझ सकती थी, लेकिन कनकी के रूम में जाए उससे पहले ही कृष्णन ने उसे लॉबी में ही पकड़ लिया। राम, कनकी से दूर रहना, अभी तुम्हारा उसके आसपास होना कनकी के लिए जानलेवा हो सकता है। राम बेचैन हो गया। क्या उस्ताद को अपना गुरु बनाकर उसने कनकी को भी खो दिया था? पर ऐसा तो क्या था उसकी स्वर्ग शक्ति में कि वो अपनी बहन के पास नहीं रह सकता? मीटिंग रूम में भास्कर ने कोलाहल मचा रखा था। कृष्णन की क्लास लगी थी, उसने राम पर कड़ी नजर नहीं रखी थी, और अभी उस्ताद हमारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर देगा। भास्कर भड़क उठा। राम भी उसी सभा में बैठा था, लेकिन एकदम ही कोने में, जैसे वो कोई गुनहगार हो। वैसे कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, और अगर कोई गलती से देख भी ले तो अपनी नजरें नीची कर रहा था। मेरी बात मानो अप्पा, राम को परिवार से अलग कर देते हैं, उस्ताद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अचानक ही कार्तिक ये बोल बैठा। कार्तिक का ये रूप देखकर कृष्णन भी दंग रह गया। भैया आप क्या कह रहे हैं? कृष्णन भावुक हो गया। हाँ, राम ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन क्या परिवार से निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था? एक और रास्ता है, भास्कर ने आखिर में कहा। सब ध्यान से सुनने लगे। सफाचट युक्ति आजमा सकते हैं। ये सुनकर मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। सफाचट युक्ति में एक योद्धा को डिटॉक्सिफाई किया जाता था, मतलब पूरे 11 दिनों तक उसे एक लकड़ी के पलंग पर लेटाकर उसे कई सारी चमत्कारी जड़ी बूटियों से साफ किया जाता था। जनरली सफाचट युक्ति उन योद्धाओं पर आजमाई जाती थी जो अपना रास्ता भटक गए हों और जिन्होंने गुप्त पाइट में कुछ नेगेटिव सिद्धियां हासिल की। सफाचट युक्ति का एक और बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक ये था कि सफाचट युक्ति खत्म होने के बाद कई सारे योद्धाओं को पाइट की पहली परस से शुरुआत करनी पड़ती थी। पूरी नस्ल बर्बाद हो जाए, उससे अच्छा एक राम के ऊपर ही सफाचट युक्ति आजमाई जाए। कृष्णन,
तुम उसे फिर से पाइट सिखा देना। इस बार बलराम बोल उठा। कृष्णन हक्का बक्का रह गया। ऐसा लग रहा था कि खतरनाक सफा चट्युक्ति राम पर आजमाने के लिए पूरा परिवार तैयार है। कृष्णन ने राम की ओर देखा। राम ने इस युक्ति के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसे उसका सामना करना पड़ेगा। मैं रास्ता नहीं भटका हूं दादाजी, अप्पा मेहरबानी करके मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। राम जैसा योद्धा अपनी शक्तियों को बचाने के लिए गिड़गिड़ा उठा। आज के दिन सोच लेते हैं, कल इसका फैसला लेते हैं। भास्कर ने निर्णय सुनाया और सभा को बर्खास्त कर दिया। राम को सब अकेला छोड़कर वहां से चले गए। रह गया तो रूम के दूसरे कोने में कृष्णन। राम ने देखा कि कृष्णन की आंखों में आंसू थे। अप्पा, राम बोलने गया लेकिन कृष्णन ने हाथ दिखा के उसे चुप किया। लेकिन राम के लिए कृष्णन को उस्ताद का सच बताना ज्यादा जरूरी था। आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है, राम ने बोला। कृष्णन ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए राम ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने सच कहा कि उस्ताद अब मरना चाहता है, इसलिए उसने वैकुंठ राज शेखर की सारी शक्तियां राम में डाल दी। ये सुनकर के कृष्णन के शौक का पार ना रहा। क्या? कृष्णन ये कंफ्यूज होकर पूछ रहा था या गुस्से में, वो समझ नहीं पाया। राम ने उस्ताद और उसके बीच की सारी बातें दूर ही खड़े खड़े बता दी। सबके सामने वो ये सब बातें नहीं बताना चाहता था। राम की बातें सुनकर कृष्णन फाइनली खड़ा हुआ। तुम्हारे पास अब 24 घंटे, कृष्णन ने थकी हुई आवाज में कहा। या तो तुम उस्ताद से अपना रिश्ता तोड़ दो और या तो सफा चट्युक्ति के लिए तैयार हो जाओ। कृष्णन इतना कहके राम को देखे बिना ही चला गया। राम का दिमाग घूम गया। कौन सा रास्ता चुनता वो? जिस इंसान ने उसको इस कीचड़ में डाला, उसी इंसान को पूछने के लिए राम ने फिर से अपनी आंखें बंद की। दूसरे ही पल राम ने खुद को रहस्यमय गुफा के नीले तालाब के किनारे पाया। उस्ताद उसके पीछे तालाब के पानी में डुबकी मार रहा था। जय हो, ये पानी नहीं है, अमृत है, अमृत, उस्ताद डुबकी लगाते हुए बोला। राम उस्ताद को बोले उससे पहले उस्ताद ही बोल उठा, कौन सा रास्ता चुनोगे? एक ही तो रास्ता है तुम्हारे पास। ये कहते हुए उस्ताद पानी से बाहर आया और देखते ही देखते उसके बाल बिना टाल के ही सूख गए। क्या करूं? राम की आवाज में थकान और लाचारी दोनों थी। अजीब बात थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ था उसी के पास राम उपाय पूछने आया था। करना क्या है, रास्ता साफ है, सफाचट युक्ति को ही चुनो, उस्ताद ने बोल दिया। राम शॉक्ड रह गया। क्या आप जानते भी हैं कि सफाचट युक्ति में मैं अपनी सारी की सारी शक्तियां गवा दूंगा? अब वो भड़क गया। राम को अचानक लगने लगा कि उसके परिवार वाले उस्ताद के बारे में सही थे। उस्ताद ने उनकी नस्ल को बर्बाद करने के लिए ही राम को अपना शिष्य बनाया था। पर राम का गुस्सा देखकर उस्ताद जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन फिर उस्ताद अचानक गंभीर हो गया और बोल उठा, जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है बेटा। राम को ये बात समझ नहीं आई। उस्ताद का बस एक ही कहना था, सफाचट युक्ति से तुम्हारे शरीर और मन की सारी अशुद्धियां भी चली जाएंगी और फिर रह जाएगी तुम्हारे पास बस एक ही शक्ति। कौन सी? राम पूछ बैठा। उस्ताद ने राम की आंखों में आंखें डालकर कहा, निर्वाण शक्ति, जो तुम में पैदाइशी ही है। राम शॉक्ड हो गया। क्या सच में सफाचट युक्ति करने के बाद राम के पास निर्वाण शक्ति आ जाएगी? क्या निर्वाण शक्ति पाना इतना आसान था? जीवन में सबसे खूबसूरत चीजें सबसे आसान भी होती हैं। उस्ताद ने फिर से नीले तालाब में छलांग लगाते हुए कहा और अचानक राम ने आंखें खोली तो वो नोनो विला की मीटिंग हॉल में बैठा था। अप्पा, दादाजी कोई निर्णय ले, उससे पहले मैंने एक निर्णय लिया है, राम ने कृष्णन के दफ्तर में आकर कहा। कृष्णन को लगा कि उसका बेटा उस्ताद से अपना रिश्ता तोड़कर आया है। मैं सफाचट युक्ति करवाने के लिए तैयार हूं। राम के शब्द सुनकर कृष्णन की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। क्या राम की यह सबसे बड़ी गलती होगी या फिर सच में ही सफाचट युक्ति से वो निर्वाण शक्ति प्राप्त करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अप्पा, क्या राजशेखर परिवार हमेशा के लिए जीत गया है? घायल हुए प्रभुदेव ने अपने पिता उन्नी से पूछा। नोनुप परिवार के टेम्परेरी घरों में वापस लौटते ही नोनुप की औरतों ने वैद्यों के साथ मिलकर घायल लोगों को दवाई देना शुरू कर दिया था, लेकिन राम से तीसरी बार हारने के बाद प्रभुदेव नोनुप के घाव सिर्फ शारीरिक नहीं थे। उसके पास उसका पिता उन्नी बैठा था, जिसके सीने को कार्तिक ने करारी लात मार के लहूलुहान कर दिया था। वो सांस भी मुश्किल से ले पा रहा था। हम बदला लेंगे बेटा, अचानक प्रभुदेव को सामने बैठे भीमराव ने बोला। कब तक ये दुश्मनी चलती रहेगी? कब तक हम बेघर रहेंगे?
अचानक ही नोनुपों के बीच एक औरत की आवाज आई। ये थी प्रभुदेव की दादी भीमराव की पत्नी संध्या नोनुप। संध्या नोनुप काफी शक्तिशाली योद्धा थी, लेकिन भीमराव से शादी करने के बाद उसने सिर्फ परिवार को संभालने में ही अपना ध्यान लगा दिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका शक्तिशाली परिवार न जाने क्यों ढीला पड़ रहा था, और स्वाभाविक है वो बात संध्या से सहन ना हुई। संध्या, तुम रोना धोना मत करो, हम कुछ रास्ता निकालते, भीमराव ने कहा। इतना याद रखना कि मैं अपनी आखिरी सांसें अपने घर नोनुप विला में लेना चाहती हूं, इस झोपड़पट्टी में नहीं। संध्या नोनुप रोते हुए वहां से गुस्से में चली गई। अपनी मां को रोता देख उन्नी भड़क गया। अपा, क्या करें इन राजशेखरों का, मन तो कर रहा है कि सबको एक जगह इकट्ठा करके आग लगा दूं। पर भीमराव कुछ नहीं बोला, क्योंकि वही आग अब उसके दिल में लगी हुई थी। वो खुन्नस के साथ बोल उठा, चिंता मत करो, राजशेखर परिवार के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। प्रभुदेव और उन्नी ने सरप्राइज में भीमराव की ओर देखा। भीमराव ने एक आदमी को बुलाया और कहा, मुझे उस्ताद के पास लेकर चलो। भीमराव उस्ताद के पास क्यों जाने वाला था, कहीं उस्ताद और भीमराव मिले हुए तो नहीं थे ना? क्या कहा तुमने, तुम्हें सफाचट युक्ति की सजा मंजूर है? कृष्णन को ये कहते हुए चक्कर आ रही थी, लेकिन राम समझ गया था कि कृष्णन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अपा, आप ठीक तो हैं? राम कृष्णन को संभालने गया, लेकिन कृष्णन ने राम का हाथ झटक दिया। मुझे सब धुंधला, कृष्णन अटक अटक के बोलने लगा, लेकिन तब तक उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। नोनुप विला में कृष्णन के अचानक बेहोश होने की खबर आग की तरह फैल गई। क्या हुआ, भास्कर ने कृष्णन के कमरे में जाते हुए कार्तिक को पूछा। राम खुद के इमोशंस पर कंट्रोल खो बैठा था। कृष्णन को अपने बिस्तर पर सुला के वो कृष्णन को होश में लाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। अप्पा, आंखें खोलो, आपको क्या हो गया? लेकिन कृष्णन ने अपनी आंखें नहीं खोली। मेरी वजह से यह सब हुआ, भास्कर के आने के बाद राम ने सामने से ही सब सच बोल दिया। शायद उसके सफाचट युक्ति करवाने के निर्णय से कृष्णन की यह हालत हुई थी। क्या हुआ? अचानक ही हेमा और कनकी भी अंदर आ गए। माहौल में मातम छा गया तो कार्तिक से बर्दाश्त नहीं हुआ। सब यहां भीड़ क्यों लगा रहे हो, वो बोल उठा। सब बाहर निकलो, उसे ठीक से सांस लेने दो। हेमा, राम, कनकी, बाहर जाओ। कार्तिक ने सबको बाहर निकालने की कोशिश की। सब तो निकल गए, लेकिन राम न निकला। वो तो कृष्णन का हाथ पकड़ के उसके मुंह पर पानी छिड़कते हुए बस रोए जा रहा था। अचानक कनकी अंदर आई और राम का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाने लगी। राम भैया, चलो यहां से, वैद्य आ रहा है। और बस इससे आगे कनकी ना बोल पाई, क्योंकि कनकी ने जैसे ही उस्ताद की स्वर्ग शक्ति वाले राम का हाथ पकड़ा, कनकी को जोरदार करंट लगा हो वैसे वो उछली और कमरे के दूसरी ओर उड़कर दीवार से टकरा कर बेहोश होकर गिर गई। कनकी, राम के चिल्लाने से कार्तिक और हेमा दोनों फिर से अंदर आ गए। राम कनकी के पास जाने गया, पर कार्तिक ने उसका हाथ रोक लिया। कृष्णन ने तुम्हें मना किया था ना कि कनकी के पास मत जाना, बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो, ये कहते हुए राम को काफी गुस्से से कार्तिक ने कमरे के बाहर धक्का मारा। राम बाहर जाकर रुका और कार्तिक ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। राम पागलों की तरह दरवाजे को ठोंकने लगा। अप्पा, कनकी, दरवाजा खोलो। बेवकूफ लड़के, ये कहते हुए भास्कर ने राम का कॉलर पकड़ के उसे बंद दरवाजे से दूर किया। राम का एक एक अंग कांप रहा था। क्या उस्ताद को गुरु स्वीकारने से उसने अपने पिता और बहन दोनों को खो दिया था? वो लोग ठीक हो जाएंगे, पर तुम दूर रहो, भास्कर ने बलराम को वैद्य के साथ अंदर भेजते हुए कहा। फिर राम का कॉलर पकड़ भास्कर उसे गुस्से में खुद के कमरे में ले आया और उसे कुर्सी पर बिठाया। किस मिट्टी के बने हो राम, उस धोखेबाज उस्ताद से रिश्ता तोड़ने के बदले अपनी शक्तियां गंवाने बैठे हो? सफाचट युक्ति करवाओगे, अपने बाप के बारे में भी नहीं सोचा? भास्कर बहुत ही भड़का हुआ था। मैं रिश्ता तोड़ दूं तो कनकी और अप्पा ठीक हो जाएंगे, राम ने कहा। भास्कर ने राम को देखा। सच में तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी इस सिचुएशन का डैमेज कंट्रोल कैसे करे। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में राम उस्ताद को मिला था। जब से मिला था तब से कुछ न कुछ हो ही रहा था राजशेखर परिवार के साथ। अब एक ही रास्ता बचा है मेरे पास, भास्कर ने कहकर अचानक एक चाकू निकाला और खुद के अंगूठे को चीर दिया। भास्कर ने अब राम का हाथ मांगा। आप क्या कर रहे हैं, राम ने कंफ्यूज होकर पूछा। तुम्हारी और तुम्हारे अप्पा और बहन की जान बचा रहा हूं, ये कहते हुए भास्कर ने खुद ही राम का अंगूठा लिया और उसे भी चीरा। आ! राम अचानक ही चीख पड़ा, लेकिन भास्कर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो राम के खून से लथपथ अंगूठे को अपनी टेबल पर पड़े एक पानी के ग्लास के पास लेकर गया, दोनों के अंगूठे को उस पानी के ग्लास के ऊपर रखा और कहा, आज राजशेखर परिवार राम राजशेखर से अपना रिश्ता तोड़ता है। राम ये सुनकर चकाचौंध रह गया। वो अपना हाथ भास्कर की पकड़ में से निकालने गया, लेकिन भास्कर की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। आज से राम राजशेखर नहीं बल्कि राम अजाति कहलाएगा। शुद्धिपुरम में अजाति उन लोगों का सरनेम होता था जिन्हें समाज से बाहर निकाला जाता था। ये कहकर भास्कर ने राम का खूनी अंगूठा पानी में डुबोया। बस इसी तरह राम का राजशेखर से नाता टूट गया। दादाजी, राम को ऐसा लग रहा था मानो खुद की मौत हो गई। भास्कर ने उसे आगे बोलने ना दिया। मैं तेरा दादाजी नहीं, दफा हो जा मेरे परिवार से। ये कहते हुए भास्कर ने गुस्से में राम का हाथ पकड़ा। नोनो विला के लॉबी से उसको लगभग घसीटते हुए ही मेन डोर से उसे बाहर फेंक दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ये तकनीक काम कर गई हो उसी तरह कृष्णन तुरंत होश में आ गया। राम! होश में आते ही उसका पहला शब्द अपने ही बेटे के नाम का था। शुक्र है आप ठीक हैं, हेमा बोल पड़ी। लेकिन कृष्णन ने देखा कि राम कहीं नहीं था, लेकिन उसके पास में एक सेटी पर कनकी बेहोश पड़ी थी। कनकी! कृष्णन तुरंत उठने गया, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुरंत अपना बिस्तर पकड़ के बैठ गया। कनकी को राम ने छुआ है, कार्तिक ने बिना किसी भाव के कहा। यह सुनकर कृष्णन दंग रह गया। क्या इसका मतलब यह है कि कनकी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी? नहीं, वहां कनकी को चेक कर रहे वैद्य ने दिलासा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बच्ची को हुआ क्या है, शायद कोई बहुत ही शक्तिशाली वस्तु को छू लिया है इसने। वैद्य ने गुड न्यूज भी दी कि कनकी थोड़े ही पल में होश में आ जाएगी और ठीक हो जाएगी। ये सुनकर कृष्णन और हेमा दोनों रोने लगे। राम कहाँ है? कृष्णन ने कार्तिक को पूछा। रास्ते पर जवाब दरवाजे पर खड़े भास्कर से आया। कृष्णन पूछ पाए कि उसका क्या मतलब है, उसके पहले उसने भास्कर के लहूलुहान अंगूठे को देख लिया। कृष्णन सब कुछ समझ गया और अचानक ही एकदम से चुप हो गया। एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी के फलों को सड़ा देता है, भास्कर ने कहा और वहां से चला गया। हेमा ने बहुत पूछने की कोशिश की कि भास्कर के कहने का मतलब क्या है, लेकिन कार्तिक ने उसे जवाब नहीं दिया। बस फिलहाल कनकी की तबीयत पर ध्यान देने को कहा। कृष्णन चुपचाप अपने बिस्तर पर से उठा और खुली खिड़की पर गया। राम अभी भी नोनू विला के बंद दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ से खून अभी भी टपक रहा था। अचानक ही राम को रियलाइज हुआ कि कृष्णन अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा है। उसने कृष्णन की ओर देखा। दोनों बाप बेटों में सिर्फ आंखों से ही बात हुई। राम माफी मांग रहा था पर कृष्णन माफ करने के मूड में नहीं था। राम ने उसके गर्व को चकनाचूर कर दिया था। कृष्णन ने राम के मुंह पर अपनी खिड़की बंद कर ली। तब राम को रियलाइज हुआ कि वो अभी नोनो विला के अंदर यानी कि राजशेखर परिवार के अंदर नहीं जा सकता। उसे सच में बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। उस्ताद के अलावा राम उस वक्त जाता भी कहा। राम ने वहीं खड़े खड़े अपनी आंखें बंद की और तुरंत ही रहस्यमयी गुफा में उस्ताद के पास पहुंच गया। उसे अपना परिवार वापस चाहिए था, उस्ताद ही रास्ता दिखाएगा। लेकिन रहस्यमयी गुफा में पहुंचकर राम ने वहां किसी और को पाया, भीमराव नोनुप को। भीमराव और उस्ताद में कुछ बहस हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम राजशेखर परिवार के दोस्त हो या दुश्मन, भीमराव नोनुप भड़का हुआ था। लेकिन उस्ताद ने, उस्ताद इस बात का जवाब भी देता लेकिन उस्ताद को एहसास हो गया था कि राम वहां पहुंच गया है। उस्ताद कहने को कुछ और जा रहा था लेकिन उसने अपनी बात तुरंत घुमा ली। राजशेखरों के साथ मेरा जो भी रिश्ता हो उससे तुम्हें क्या? यह सुनकर भीमराव नोनू भी दंग रह गया, क्योंकि अभी तक तो सब बातें ठीक ही चल रही थी। अचानक ऐसा क्यों बोल रहा था उस्ताद? उस्ताद ने अपनी आंखों से नोनुप को जाने का इशारा किया। नोनुप होशियार था, वो समझ गया और वहां से बिना कुछ बोले ही निकल गया। अगर उस्ताद का दिल साफ था तो क्यों हो रही थी उस्ताद और भीमराव में आंखों से बातें? पर राम ने उन आंखों के इशारे को देख लिया था। क्या आप मेरा इस्तेमाल करके मेरे परिवार को बर्बाद करने जा रहे हैं? राम ने सीधा सीधा पूछ लिया। उस्ताद ने राम की आंखों में देखा और अचानक रूखी हंसी हंसने लगा। परिवार से निकाले गए ना? उस्ताद ने पूछा। यह सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक ही अपने पिता, अपनी मां और कनकी की याद आ गई। क्या अपने स्पर्श से मैंने कनकी को मार डाला है? राम ने उस्ताद को ही पूछा। उस्ताद को राम पर दया आई। सच में एक योद्धा का सफर काफी लोनली होता था। नहीं, वो ठीक हो जाएगी, उस्ताद ने कहा। राम को दुखी देखकर उस्ताद बोला, बस अब समय आ गया है राम।
राम ने कंफ्यूज होकर उस्ताद को देखा। उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। उस्ताद ने अचानक ही राम की छाती को छुआ। अचानक राम की छाती में गर्माहट फैल गई। उसके आंसू तुरंत बंद हो गए और उसे इतना अच्छा लगने लगा कि वह स्माइल कर बैठा। अपने परिवार को माफ कर दो राम, दिल से सारी भड़ास निकाल दो, उस्ताद ने सॉफ्टली कहा। राम की आंखें बंद थी। राम ने आंसुओं के जरिए अपने परिवार को माफ किया और फिर राम ने अपनी आंखें खोली। उस्ताद स्माइल कर बैठा। अब तुम पूरी तरीके से तैयार हो बेटा, राम कुछ नहीं बोला। सच में तो राम कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, कोई इमोशन नहीं, ना ही खुश था और ना ही दुखी। उसने अपने इमोशन में समतल पा लिया था। अचानक उस्ताद ने राम को जोर से धक्का दिया। राम नीले तालाब में जाकर गिर गया। पहले तो राम स्ट्रगल करने लगा क्योंकि वो अचानक ही गिरा था, लेकिन फिर अचानक ही राम का शरीर शांत हो गया। राम आराम से फ्लोट करने लगा, पहले पानी के अंदर और फिर पानी की सतह पर, और फिर राम के पेट के बीच में से निकली एक सुंदर रोशनी और उस्ताद स्माइल कर बैठा। तुम निर्वाण शक्ति की पहली सतह को हासिल कर चुके हो राम, उस्ताद ने राम को कहा। राम ने फ्लोट करते हुए ही अपनी आंखें खोली और अपने पेट से निकल रहे प्रकाश को देखा। क्या सच में राम ने इतनी आसानी से निर्वाण शक्ति को प्राप्त कर लिया था, या फिर उस्ताद राम को धोखा दे रहा था? क्या राम के लिए राजशेखर परिवार के दरवाजे सच में हमेशा के लिए बंद हो गए थे? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।